हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईटीबीपी एएसआई रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके अंदर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट ये रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी हुई है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट वगैरह इसमें क्या मांगी हुई है, चेस्ट वेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही फ्रेंड, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हमारी सामान्य अध्ययन की क्रांतिकारी बुक है, इसका लिमिटेड स्टॉक फिलहाल बचा हुआ है। अगर आपके पास फिलहाल ये बुक नहीं है, फटाफट परचेज कर लीजिए और धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2020-21-22 के मोस्ट रिपीटेटिव जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखे हैं, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज और एग्जाम वाइज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो फाइनली बात कर लेते हैं भाई अपनी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मनिस्थल की पोस्ट के रिगार्डिंग, तो हाल ही में आईटीबीपी ने दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर नोटिस जारी किया, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल मनिस्थल की पोस्ट है, जिसके रिगार्डिंग कल एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। साथ ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी एक नोटिस निकाला है, जिसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इन पोस्ट के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस ही आया है, इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 जून को आने वाला है। तो 8 जून को भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। वो तो काफी सारे लोगों की हैवी डिमांड आने लग गई कि भैया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली डिटेल वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 38 निकली हुई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 19 वैकेंसीज है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी रखी हुई है, बाकी 17 वैकेंसीज डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट के लिए यहां पर रखी हुई है। इस पोस्ट को पूरा हम कहेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट, यानी कि ये एक मनिस्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तो पोस्ट है, एक स्टार आपको मिलेगा यूनिफॉर्म के ऊपर, लेकिन यहां पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है, ये एक स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। डिटेल से बताऊंगा पूरा प्रोसीजर, चिंता मत कीजिए। तो फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके जो स्टार्ट होंगे वो 8 जून से ही होंगे, और इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 8 जून को ही आएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 7th जुलाई 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस इसके अंदर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसके एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1st जनवरी 2022 तक होने वाली है। एसटीएससी ओबीसी वालों को एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी काफी अच्छा खासा एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने आप में ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जस्ट आफ्टर 12th आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओ, वो भी आईटीबीपी के अंदर, जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स ही है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 300 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, क्या क्या
है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट बन जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया अभी तो इसका शॉर्ट नोटिस ही आया है, तो आप इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेड कॉन्स्टेबल हो मिनिस्टर का या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे भी सीआईएसएफ, एएसआई, सीआरपीएफ, एएसआई की पोस्ट के ऊपर पास्ट में काफी सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, तो उनके रेफरेंस से मैं आपको एक डिटेल देने की कोशिश करूंगा। बाकी जब इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो काफी सारे लोगों की डिमांड थी, मान नहीं रहे थे, कमेंट बॉक्स भर दिए, लगातार इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आ रहे हैं, तब जाके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, वरना मेरा तो प्लान था कि सीधा 8 जून को ही आपके साथ शेयर करूं। तो भाई पहली स्टेज में जो आपका होगा ना वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट तो गारंटेडली मेजर होंगी। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर एसटी मेल कैंडिडेट को एज हाइट के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर मिनिमम आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है, एसटी वालों को रिलैक्सेशन है 150 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मेल जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के जो मिनिमम चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपको अपनी चेस्ट में एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, मिनिमम आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर रखी गई है, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर यहां पर आपकी रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये क्लियर नहीं है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भी क्या आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मतलब रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा। ये तो पूरा क्लियर है कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मनीष्टल की पोस्ट के ऊपर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इफिशियंसी टेस्ट होता है, मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपकी रनिंग होती है। लेकिन एसआई की पोस्ट पहली बार शायद निकली है या फिर काफी टाइम पहले निकली होगी, तो ये क्लियर नहीं है कि रनिंग आपकी इसमें हो सकती है क्या। तो अभी मैं आपको रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में कोई डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि सीआरपीएफ एसआई के अंदर जो वैकेंसी निकलती है ना, पास्ट में जो निकली थी, उनकी पोस्ट के ऊपर रनिंग वगैरह नहीं होती थी, तो अभी मैं क्लियर नहीं हूं इसके ऊपर, तो आपको डिटेल नहीं दूंगा। वैसे हेड कांस्टेबल मनीष्टल की जो आईटीबीपी के अंदर वैकेंसी निकलने वाली है 8 जून को, उसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होंगे, मैंने सभी डिटेल दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कहीं कुछ गलती ना हो जाए इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन जब रिवाइज्ड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, रनिंग वगैरह कितनी हो सकती है अगर हुई। वैसे मेल कैंडिडेट के लिए 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर लगानी हो सकती है, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4.5 मिनट में आपको लगानी हो सकती है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है, मैंने आपको केवल एक रफ आइडिया दिया है। फर्स्ट स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा पीएसटी के साथ, जहां पर आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट आपको सेल्फ अटेस्टेड सबमिट करानी होती है, जहां पर आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाना होता है, साथ ही 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको दिखानी होती है। अगर आपको रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पर दिखाना होता है। तो ये आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पीएसटी पीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में भी फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है कि एएसआई स्टेनोग्राफर का क्या हो सकता है, लेकिन हेड कांस्टेबल मनीष्टल का जो एग्जाम पैटर्न है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेक्शन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो रिटन एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपका एक जनरल अर्थमेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं 30 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आ सकते हैं 30 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं 10 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं 100 मार्क्स के अंदर ही, और 3 आवर का आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मनीष्टल का एग्जाम का पैटर्न यही रहने वाला है, क्योंकि 62 वैकेंसी 2017-18 में निकली थी, तो उसके रेफरेंस से मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार हो सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट में होगा क्या फ्रेंड्स, आप हिंदी में भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश या फिर इंग्लिश हिंदी की, जहां पर आपको 10 मिनट के अंदर एक डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट के अंदर आपको 800 वर्ड बोले जाएंगे, जिसको आपको
80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखना होता है। शॉर्ट हैंड के बारे में जानते होंगे जो लोग स्टेनोग्राफी सीख रहे होंगे। उसके बाद आपको उसको कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टेनोग्राफर हूं तो उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि जॉब तो मैंने छोड़ रखी है, लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर मैंने काम किया गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट जो हिंदी वालों को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा कंप्यूटर के ऊपर, वो 65 मिनट दी जाएंगी, 65 मिनट। इंग्लिश वालों को 50 मिनट दी जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा होता है, आप कर लोगे अगर आप स्टेनोग्राफर सीख रहे हो या फिर सीखने की ट्राई कर रहे हो। अगर आपको फिलहाल स्टेनोग्राफी नहीं आती, फिर भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा वो फिजिकल एग्जाम के बाद ही होगा, तो आपके पास काफी टाइम रहेगा, तो आप अभी से स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर सकते हो। बात कर लेते हैं भाई फिजिकल सेंटर के बारे में, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर हो सकता है। भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर रहेगा, आपको अपने होम स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फिजिकल भी आपका डिफरेंट डिफरेंट आईटीबीपी के डीआईजी सेंटर्स के ऊपर होगा, आपको अपने होम स्टेट में भी सेंटर मिल सकता है, तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं अगर फाइनली फ्रेंड्स आप सिलेक्शन ले लेते हो आईटीबीपी ASI मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर, तो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप में बिंदा सैलरी है, तो आपकी इनिशियल सैलरी 42,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस और आफ्टर 7th पे कमीशन। और आप अपनी पोस्ट के ऊपर काम करते रहोगे, हर साल के अंदर आपको सैलरी के ऊपर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, जहां पर आपकी फाइनल सैलरी 1,04,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो अपने आप में बिंदा सैलरी है। देखिए फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, जो कि मिनिस्टर की पोस्ट का होता है। सिंपल सा मेडिकल टेस्ट आपका वही होगा, नोटिफिकेशन में डिटेल दे दी जाएगी कि क्या क्या टेस्ट आपके होने वाले हैं। 8 जून को नोटिफिकेशन आएगा, उसका वेट करिएगा, वरना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फाइनल आपकी कट ऑफ बनती है, जो एग्जाम के बेसिस पर केवल कट ऑफ बनेगी। 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड कर देगी फाइनली आपका आईटीबीपी एएसआई की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। बाकी जो प्रोफाइल के बारे में बता ही चुका हूं, आईटीबीपी के अंदर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर आपको एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होगा, आपको कोई फील्ड ड्यूटी या फिर पेट्रोलिंग वगैरह आपको नहीं करनी होती है, क्लियर है। लेकिन ट्रेनिंग आपकी बिंदास होगी, जैसे कि जीडी वालों की होती है, इसी टाइप की आपकी कुछ कुछ ट्रेनिंग होती है। तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, आई होप आप समझ गए होंगे। 8 जून को जब इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इसका डिटेल सिलेबस भी वेटू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा इन पोस्ट के ऊपर, तो चैनल के से बने रहिएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन दिखलाना है इन पोस्ट के ऊपर। वीडियो पसंद आओ लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।